गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड, वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हमारा ईवीएस। ईवीएस में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नेचर के बारे में। क्या जानेंगे आज हम? नेचर, जो हमारी प्रकृति है, जो हमें फल फूल पेड़ सभी चीज जो हमें प्रदान की हुई है। अब जैसे कि कुछ हमारी अमेजिंग नेचर है, स्टार सन एनिमल्स फ्रूट ट्री बर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें नीड बहुत ज्यादा होती है। अगर सन नहीं होगा, अगर आप मान लीजिए सन नहीं होगा तो हमें दिन या रात का पता चलेगा? कैसे पता चलेगा दिन या रात का? नहीं पता चलेगा ना। ऐसे स्टार, अगर मान लीजिए सन नहीं निकला तो आपको कैसे पता चला दिन हो रहा है या रात? ऐसे ही सन मून, इन सभी की जरूरतें बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में, लाइफ में। अब जैसे एनिमल्स फ्रूट्स हम खाते हैं ना, ये भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। ट्रीज की, अब ट्रीज नहीं होंगे तो वातावरण स्वच्छ कैसे होगा, है ना? अभी वैसे हमें पेड़ों को काटना भी नहीं चाहिए, सभी को पेड़ लगाने भी चाहिए। वैसे हम लकड़ियों के लिए, इनके लिए हम पेड़ों को काट देते हैं ना। ऐसी बर्ड्स है, काफी चीजें आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखो ऐसे ना, देखो इसमें स्टार मून एनिमल फ्रूट सन बर्ड ट्री कौन, ये जो सारी चीजें होती है हमें प्रकृति से मिलती है। हमारे आसपास भी काफी चीजें है, वो हमारे आसपास है, ये सारी हमें प्रकृति से मिलती है और इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारी कुछ भी काम या कुछ भी चीज नहीं हो पाएगी। अब जैसे सूरज नहीं तो दिन या रात का पता नहीं, ऐसे स्टार और मून नहीं होंगे तो रात का पता कैसे चलेगा? अब रात हो रही है, अब सूरज सुबह निकलता है तभी तो पता चलता है ना दिन निकल आया, अब वो जब छिपता है तब पता चलता है कि रात होने वाली है और फिर मून और स्टार आएंगे, है ना? ऐसे ही सभी जो ये हमारी नेचर से जो हमें मिलती है चीजों की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा नीड होती है और इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत होती है। अब जैसे कि फ्रूट या वेजिटेबल नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या, हेल्थी कैसे होंगे, ग्रो कैसे करेंगे, समझ रहे हो? ऐसे ही ट्रीज हमारे पोल्यूशन को कम करते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, है ना? इसीलिए पेड़ भी लगाने चाहिए, ठीक है? तो आप सभी को समझना, ठीक है? बाय, हैव गुड डे।